ये रहा वो लोहा जिसको कभी जंग नहीं लगती, बुरी तरीके से तोड़ रखा है। ये देखिए कितना बड़ा है। हेलो यूट्यूब के दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? तो आज हम जा रहे हैं कुतुब मीनार। तो जैसे कि हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, अभी हम मेट्रो से हम कुतुब मीनार जाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम मेट्रो से निकल चुके हैं, देखिए ये मेट्रो जा रही है। हम मेट्रो कुतुब मीनार के स्टेशन से निकले हैं, तो नियरेस्ट स्टेशन कुतुब मीनार ही लिखा होगा, वहाँ से चले जाना। येलो लाइन है, ओनली 60 रुपीज़ प्राइस है और ज़्यादा भी नहीं है, आराम से एसी में बैठ कर आओ। चलिए दोस्तों, हमने ये टिकट ले ली है, अब हम जा रहे हैं कुतुब मीनार। बस ओनली 30 रुपीज़ की ही टिकट है, ज़्यादा नहीं है। 30 रुपये की टिकट लगी है और 15 साल से कम बच्चे फ्री में जा सकते हैं। दोस्तों अभी मैंने यहाँ से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ा कुतुब मीनार के बारे में, कि ये कुतुब मीनार हिलता है, पूरा ये झूला टाइप है। अगर यहाँ पे कोई ऊपर जाए और हिलाए कुतुब मीनार को तो पूरा हिल। दोस्तों ये देखिए कितनी अच्छी नक्काशी करी है, सैंडस्टोन, ये रेड सैंडस्टोन है, और देखो कितनी अच्छी नक्काशी है पूरे महल में कर रखी है, पूरे महल में। ये महल बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। ये देखिए यहाँ पे फोटोशूट बहुत। दोस्तों अगर आप कुतुब मीनार के लेफ्ट साइड जाओगे तो आपको ऐसी आर्किटेक्चर मिलेंगे, अगर आप यहाँ पे आगे जाओगे तो आपको पार्क ही पार्क मिलेंगे जिससे आप यहाँ रेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, और यहाँ पे कुतुब मीनार के अलावा घूमने के लिए बहुत सारे, देखो इधर पार्क इसके आगे, और पार्क बहुत बड़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत पुराने ज़माने की चीज़ें। दोस्तों देखिए यहाँ कुतुब मीनार के बारे में जानकारी लिखी है, इंग्लिश, हिंदी और बहुत सारी लैंग्वेज में, 3 लैंग्वेज में यहाँ पे कुछ लिख, हम पढ़ रहे थे तो हम पता लगा कि कुतुबद्दीन ने बनाया, एक राजा ने ये कुतुब मीनार को बनाया, और आप ये पोज करके पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ये देखिए इसको कभी जंग नहीं लगती, इसको ऐसे श्राप लगा है कभी जंग नहीं लगती इसे, ये 100 साल से ज़्यादा हो गया इसको तब भी इसको जंग नहीं लगती, ये ऐसा स्टैचू है। दोस्तों ये देखिए, देखो पत्थर, ये पत्थर पत्थर से जोड़ के कितना बड़ा पहाड़ बन गया है देखो, और ऐसे बहुत सारे पहाड़ हैं यहाँ, 2-3 है पहाड़ ऐसे, और यहाँ से पार्क ही पार्क है, मैं अभी पार्क में हूँ, और यहाँ से कुतुब मीनार चालू जाता है, देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है कुतुब मीनार। दोस्तों देखो कुतुब मीनार की जगह में एक ऐसी भी जगह है, यहाँ पे पत्थर ही पत्थर है, सारी जगह पत्थर, और यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको कोई नई जगह घूमनी है। आप सोच रहे होंगे कि मेरा दोस्त कहाँ है, ये रहा मेरा दोस्त, ये देखो ये ताला तोड़ रहा है भाई, पुलिस वाले पकड़ लेंगे ताला। अबे क्या है, देखो कुछ नई चीज देखने को मिलेगी, आओ जल्दी आओ। ये तो ताला टूट नहीं रहा, एक तो मेरा दोस्त लगा है तोड़ने में ताला। देखिए कुतुब मीनार के, अगर आप थक गए कुतुब मीनार में जाके तो देखिए यहाँ पूरा गार्डन ही गार्डन है, पार्क, आप यहाँ पे मस्ती कर सकते हो बिल्कुल लोट पोट के, बहुत मज़ा आएगा। ये ढलान है पूरी, ये भक्के भी आ सकते हो, कुछ भी कर सकते। तो दोस्तों हम कुतुब मीनार घूम के आ गए हैं पूरा, अब हम थोड़ा सा 1 किलोमीटर दूर जाके आपको
जमाली कमाली टॉम मिल जाएगा, ये रहा कुछ ऐसा है, काफी बड़ा टॉम है। अब हम यहाँ जाके आप बताएंगे कि बोरिंग है या फिर इंटरेस्टिंग जगह है। चलिए शुरू करते हैं ये दूसरा ब्लॉग। तो दोस्तों हम जमाली कमाली टॉम आ चुके हैं, ये देखिए ये रहा जमाली कमाली, और हम यहाँ अभी आई हैं, सिर्फ अंदर जा रहे हैं, ये देखिए। तो हम अभी आगे जाकर हम बताते हैं कि क्या क्या है यहाँ। तो दोस्तों इस महल के सबसे ऊपर वाले हिस्से में आ गए हैं, काफी ऊंचा है हिस्सा, हम ऊपर पूरे किले पर आ चुके हैं और यहाँ से सब कुछ दिख रहा है। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं ये हम पूरे टॉप पर ऊंचाई पर चढ़ चुके हैं, और ये उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जिनको कोई नई चीज देखनी है, कोई पुरानी चीज देखनी है, कुछ जिनको हिस्ट्री में बहुत मजा आता है, हाँ वो उनके लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए और यहाँ से कुतुब मीनार भी दिख रहा है, कुतुब मीनार भी यहाँ पे बहुत बढ़िया दिख रहा है, मैं आपको आगे करके, ये देखिए कितना बढ़िया नजारा है, यहाँ से कुतुब मीनार भी दिख रहा है। ये देखिए जमाली कमाली टॉम, ये कुछ ऐसे दिखता है, बहुत बड़ा है देखने में, और इसके आगे पीछे सारा जंगल ही जंगल। अगर आपको यहाँ पे आना है तो एंट्री आप यहाँ पे मिलती है, आपको लगेगा नहीं कि यहाँ से एंट्री है, पर एंट्री है यहाँ से निकलने का रास्ता, और इसके आगे पीछे सारा जंगल ही जंगल है। ये देखिए जंगल जंगल जंगल, पूरा जंगल है, पूरा जंगल ही जंगल, अगर आपने सब कुछ दिख रहा है, आप नेचर से बहुत प्यार कर सकते हो तो यहाँ जरूर आना, आपको बहुत मजा आएगा यहाँ। और शाम को यहाँ ना बहुत धूप है, यहाँ अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस हो रहे हैं। यहाँ से देखिए हम ऊपर जा रहे हैं, और ये देखिए ये हम ऊपर आ गए, ऊपर से तो नज़ारा और बढ़िया आ रहा है, ये देखिए, ये देखो कितना बढ़िया नज़ारा है, ये रहा जमाली कमाली टॉम, और ये पूरी जगह देखिए। दोस्तों देखिए हम इसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये खुल नहीं रहा, हम आपको पूरी अंदर की वीडियो दिखा दें अगर ये खुल पाता तो, लेकिन किसी ने बहुत टाइट लॉक लगा रखा है इसमें, लॉक नहीं एक तरह का मैकेनिज्म है इसमें लॉक होने का, जंग सा लगा हुआ। हाँ ये देखिए अंदर भी यहाँ पे बहुत ठंडक है, बस बाहर बहुत धूप हो रही है, ये देखिए कितनी धूप हो रही है बाहर। ये देखो यहाँ से पूरा पूरा कुतुब मीनार हमारे छत के मुँह के ऊपर से दिख रहा है, और ये पूरी रोड ही रोड है। ये देखिए महल के बिल्कुल ऊपर आ गए हम, और हमें इतना डर लग रहा है यहाँ पर, ये पूरा महल ही महल है, और यहाँ पर पता नहीं क्या कैसे कैसे वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो तो लोगों की फुकरापंती होती है जो करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल हम बहुत मजे कर रहे हैं। आप अगर आपको फ्रेंड्स के साथ आना है बिल्कुल आप फुकरापंती कर सकते हो एकदम उल्लास होकर, अगर आपको कोई सस्ती जगह आने हैं बिना फीस के आप इतनी अच्छी जगह बहुत जगह अच्छी आ सकते हो, फोटोशूट यहाँ पे इतना बढ़िया होगा, और यहाँ पे एडवेंचर इतना बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, बहुत ही मजा आ रहा है, और देख ले यहाँ से पूरा 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 एरिया दिख रहा है, और मैं और मेरे दोस्त यहाँ आने से डर रहे थे लेकिन हम आ गए, और हम जल्दी से जा रहे हैं वरना गेट बंद हो जाएगा नीचे का। दोस्तों देखो आप यकीन नहीं करोगे हम इतने छोटे रास्ते से अंदर गए थे और ऊपर, ये देखो इतने छोटे रास्ते से। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो ब्लॉग एंड होता है हमारा, यहाँ हमें बहुत ही मजा आया, और यहाँ हमारे कुछ दोस्त भी बने पंजाबी लोग, ये रे दोस्त, हेलो तो फिर ये पंजाब से आया स्पेशल दिल्ली देखने आया है, ये स्पेशल दिल्ली देखने तो आप भी जरा दिल्ली घूमे, दिल्ली में बहुत ऐसी ऐसी जगह है जो अभी आपको पता भी नहीं है, जैसे कि अभी हमने देखा है जमाली कमाली डॉम, बहुत सारी यहाँ पे ये ऐसी जगह है जहाँ पे 5-6 तो आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगी घूमने के लिए। हम इसके बाद हम जाएंगे संजय वन, तो उसकी वीडियो भी जल्दी आएगी, संजय वन की अगले हफ्ते आएगी, हम अभी जा रहे थे लेकिन हमारे पैसे खत्म हो गए अब, तो हमें दोबारा घर जाना पड़ेगा, तो अगले हफ्ते हम जरूर आएंगे संजय वन। तो अब हम ब्लॉग एंड कर रहे हैं, टिल देन बाय।